हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। और अभी चल रहा है हमारा आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 का क्लास। इसमें हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्लास। और इस सेशन में आपका बहुत सारा वीडियोस हो चुका है, बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट से सारा वीडियो निकाल कर देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करने वाले हैं, यह है ऑसिलोस्कोप एवं ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऑसिलोस्कोप एंड ट्रांजिस्टर ये एक टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप हम लोग कवर करेंगे। ऑसिलोस्कोप क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। आपने कैथोड रे ट्यूब सुना होगा, ठीक है, उसी तरह से इसको भी बोलते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें यूज़ किया जाता है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। ऑसिलोस्कोप होता क्या है, ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मापक यंत्र है, ठीक है। ये मेजरमेंट डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है, जिसके द्वारा डीसी अथवा एसी वैद्युतिक राशियों की तरंग आकृति को पर्दे पर स्पष्टता से देखा जा सकता है। यानी अगर आप एक मान लो ये ट्यूब है, ठीक है, और ये इसी को बोलते हैं सीआरटी ट्यूब, इस तरह का ट्यूब होता है, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ऑसिलो, आपका क्या बोलते हैं, ऑसिलोस्कोप। अब ये इस ट्यूब से आप अगर कुछ भी रिप्रेजेंट करते हो, कोई भी वैद्युतिक राशि, जैसे भी एसी या डीसी जो भी हो, ठीक है, इससे मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ का आप आकृति जो है वो स्क्रीन पे अगर निकाल सको, यहाँ पे स्क्रीन पे अगर निकाल सको, तो इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से आप देख पाओ इसके मदद से, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑसिलोस्कोप, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है। तो ऑसिलोस्कोप, जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है। अब देखो, जो भी ये चार ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि ऑसिलोस्कोप का कौन सा एक पार्ट मेन पार्ट नहीं है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उसका नाम मैं बता देता हूँ। जैसे आपका उसमें कैथोड रे ट्यूब होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन होता है, सबसे पहला सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, फिर आपका उसमें होता है इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, ये आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, हो सकता है आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाए। उसके बाद होता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, क्या होता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं विक्षेपक प्लेट्स, क्या बोलते हैं, विक्षेपण प्लेट, विक्षेपक नहीं, विक्षेपण प्लेट या डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इसके बाद है फ्लोरोसेंट पर्दा, ठीक है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, क्या होता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या हिंदी में इसको बोल सकते हैं प्रदीप्ति पर्दा। इसके बाद होता है एक और चीज इसमें होता है, ये होता है एटेन्यूटर, ठीक है, एक और चीज याद है, ये होता है क्या होता है एटेन्यूटर, 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 क्या बोलते हैं इसको एटेन्यूटर, हिंदी में भी शायद एटेन्यूटर ही बोलते हैं, ठीक है, एटेन्यूटर। इसके बाद होता है एम्पलीफायर, ठीक है, एम्पलीफायर। और इसके बाद होता है सॉ टूथ जनरेटर, क्या होता है सॉ टूथ जनरेटर, ये एक और डिवाइस है, इसको हिंदी में भी वही बोलते हैं सॉ टूथ जनरेटर। इसके बाद है गेट एम्पलीफायर। अच्छा, अभी जो मैंने एम्पलीफायर बोला था वो एक तरह का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर यूज किया जाता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एम्पलीफायर। उसके बाद एक दूसरा होता है एम्पलीफायर गेट एम्पलीफायर, क्या बोलते हैं इसको गेट एम्पलीफायर। और एक और डिवाइस इसमें होता है वो है आपका ट्रिगर, क्या होता है ट्रिगर। आप एक बार सारे जो पार्ट्स हैं मेन पार्ट्स हैं ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, आपको दे दिया जाएगा इसमें से कौन सा पार्ट है कौन सा नहीं है, तो आप एक बार नोट डाउन कर लो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, फिर से आप एक बार लिख लो इसको, मैं लिखा देता हूँ एक बार और। पहला आपका है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, सीआरटी जिसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। सीआरटी का तो कितना बार डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाता है, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है कैथोड रे ट्यूब, और सीआरओ का क्या हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो पहला हो गया सीआरटी, दूसरा आपका क्या मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गन, नोट डाउन करो इलेक्ट्रॉन गन। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका डिफ्लेक्शन प्लेट, तीसरा क्या है, यहां मैंने तीसरा लिखा था डिफ्लेक्शन प्लेट, डिफ्लेक्शन प्लेट, हिंदी में जो लिख रहे हो वो लिखो विक्षेपण प्लेट्स, ठीक है, डिफ्लेक्शन का हिंदी होता है विक्षेपण। इसके बाद आपका चौथा मैंने बताया था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, चौथा था आपका फ्लोरोसेंट स्क्रीन या प्रदीप्ति पर्दा, ठीक है, वो स्क्रीन जिस पर आप आसानी से लाइट के सेंस से देख सकते हो, ठीक है, प्रदीप्ति यानी जो चमकता है उसको बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और इसके बाद मैंने आपको लिखाया था एटेन्यूटर,
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखाया था, ये शायद आपका फिफ्थ हो गया, एटेन्यूटर, 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 जो इंग्लिश में लिख रहे हो स्पेलिंग अगर चाहो तो लिख लो, AEEN UATUR, एटेन्यूटर, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एटेन्यूटर, इनपुट एटेन्यूटर ऐसे इसको बोलते हैं, ठीक है, इनपुट एटेन्यूटर, एग्जैक्टली आप लिखना है तो ये लिखो, इनपुट एटेन्यूटर, इंग्लिश में भी एटेन्यूटर और हिंदी में भी एटेन्यूटर, तो इनपुट एटेन्यूटर एक पार्ट ये हुआ। उसके बाद हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर मैंने आपको बताया था, एम्पलीफायर सिक्स्थ पार्ट था ये आपका एम्पलीफायर, तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था सॉ टूथ जनरेटर, क्या बताया था, सेवंथ जो आपका था, सॉ टूथ जनरेटर, सॉ टूथ जनरेटर। इसके बाद जो अगला मैंने बताया था, शायद एट्थ हुआ आपका, ठीक है, ये था गेट एम्पलीफायर, ठीक है, गेट एम्पलीफायर। और नाइन्थ पार्ट जो मैंने आपको बताया था, ये था ट्रिगर। ये सारे पार्ट्स हैं, अब अगर कहीं पे इसका यूज आता है तो फिर मैं बताऊंगा, नहीं तो अभी आपके अभी के लिए इतना है कि आप दिमाग में सारे पार्ट्स का नाम रखो। अब यहाँ पे देखो, ऑसिलोस्कोप का मुख्य भाग नहीं है, सॉ टूथ जनरेटर है, गेट एम्पलीफायर है, ये सभी तो ऑप्शन हो नहीं सकता है। दोलित्र, दोलित्र क्या हुआ, ये शायद दोलित्र आपका हो गया पेंडुलम, तो पेंडुलम नहीं होता है इसका कोई पार्ट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, ऑसिलोस्कोप में निम्न में से कौन सा भाग पर्दे पर द्विआमी आकृति दर्शाने में सहायता प्रदान करता है। द्विआमी हो गया आपका टू डायमेंशनल, ठीक है, पर्दे पर टू डायमेंशनल आकृति दर्शाने में कौन सहायता करता है, कौन करता है, ये करता है सॉ टूथ जनरेटर, कौन करता है सॉ टूथ जनरेटर। सॉ टूथ जनरेटर क्या है, सॉ टूथ जनरेटर एक ऑसिलेटर परिपथ होता है, क्या होता है, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर परिपथ होता है, जो इनपुट सिग्नल के केवल उर्ध्व अंश को आवश्यक टाइम, जिसको हम लोग टाइम बेस बोलते हैं, ठीक है, टाइम बेस प्रदान करता है, और आरओ के पर्दे पर दो डायमेंशनल यानी टू डायमेंशनल आकृति प्रदर्शित करने में सहायता करता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाले इनपुट सिग्नल के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग सॉ टूथ फ्रीक्वेंसी या टाइम बेस सिग्नल प्रयुक्त किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सॉ टूथ जनरेटर क्या करता है। सॉ टूथ जनरेटर क्या करता है, देखो जब भी आप कोई चीज क्रिएट करना चाहते हो तो उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, हर एक चीज का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, हर एक कलर का, हर एक जितना कलर आपको चाहिए उसका फ्रीक्वेंसी उस बेसिस पे वो डिसाइड करता है, और फिर पर्दे पर उसको उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है, ताकि आपका उस पर्दे पर एक टू डायमेंशनल इमेज क्रिएट हो जाता है। आप जानते हो ना कि आप लाइट के बदौलत, सिर्फ अगर आप कहीं से कुछ रेस रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, सिर्फ उसके बदौलत आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर सकते हो, तो टू डायमेंशनल इमेज इसमें क्रिएट किया जाता है। अभी अभी देखो एक बहुत ही फेमस है आपका, वो है आपका होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी, अभी उसमें 3D इमेज क्रिएट किया जाता है, ये सिर्फ लाइट रेस के बदौलत ही किया जाता है, और इसमें आपका जो दिखता है वो एकदम रियल दिखता है, जैसे कि आप सामने में ही देख रहे हो उस चीज़ को, तो जो भी रेस हैं वो बहुत हेल्प होते हैं इमेज क्रिएट करने में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डेवलप्ड नहीं था, ठीक है, पहले ये डेवलप हुआ था, तो इसमें 3D तो इमेज आपको नहीं मिलता है, इसमें 2D इमेज बनता है, लेकिन वही अलग अलग जो अंश होते हैं, ठीक है, जो आप यहाँ से रेस भेजते हो उसके अलग अलग अंश को ये अलग अलग टाइम बेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाला चीज अलग हो जाता है और यहाँ पर्दे पर आपको दिखने लगता है। तो ये काम किसका है, ये है सॉ टूथ जनरेटर। तो इन शॉर्ट आपको सबको कंक्लूड करके ये याद रखना है कि टू डायमेंशनल आकृति को क्रिएट करने के लिए ऑसिलोस्कोप में क्या यूज करते हैं हम लोग, हम लोग यूज करते हैं सॉ टूथ जनरेटर। अगला है आपका, किसी अल्टरनेटिंग राशि के लिए शून्य से अधिक मान तक पहुंचने का समय डैश कहलाता है। शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने का समय क्या कहलाता है किसी भी अल्टरनेटिंग राशि में, यह कहलाता है ट्रेस पीरियड। क्या कहलाता है ये कहलाता है ट्रेस पीरियड। आप वर्ड पे देखो, इसमें बस ज्यादा चीज आपके लिए नहीं है, इसमें बस जो भी आपका जो वर्ड्स हैं यानी आपका टेक्निकल टर्म्स हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको आना चाहिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ट्रेस पीरियड क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आया, क्योंकि डेफिनेशन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। किसी अल्टरनेटिंग राशि के लिए शून्य से अधिकतम मान तक पहुंचने का जो समय लगता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रेस पीरियड। अगला है आपका, सीआरओ में निम्न में से कौन सी फोकसिंग विधि प्रयुक्त की जाती है। फोकसिंग विधि, सीआरओ, कैथोड रे, ऑसिलोस्कोप,
ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप में फॉक्सिंग विधि जो है, फॉक्सिंग मेथड, ये कौन सा यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये दोनों यूज किया जाता है। फॉक्सिंग मेथड जो है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड भी यूज किया जाता है और इलेक्ट्रो स्टैटिक मेथड भी यूज किया जाता है। सीआरओ प्रदर्शित कर सकता है, तो सीआरओ किसको प्रदर्शित कर सकता है? सीआरओ एसी सिग्नल्स और डीसी सिग्नल्स दोनों को प्रदर्शित कर सकता है। ये मैंने शुरुआत में ही डेफिनेशन में ही बताया कि सीआरओ एसी और डीसी दोनों सिग्नल को प्रदर्शित कर सकता है। अगला है, सीआरओ में किसी भी वेव फॉर्म का ऊर्ध्वाधर आयाम इंगित करता है। तो किसी भी वेव फॉर्म में ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो इमेज बनता है, आयाम बनता है, ठीक है, उसको इंगित कौन करता है? कौन करता है? वो करता है पी टू पीक मान। कौन करता है? पीक टू पीक मान। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आपको ये पीक टू पीक मान समझ में आया, ये क्या हुआ? देखो, मैंने आपको बताया हुआ था, आप याद करो, इससे पहले वाले चैप्टर्स में मैंने आपको एक जगह बताया हुआ था कि एक एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये जो वेव फॉर्म होता है, ठीक है, इसका आप यहाँ तक के वैल्यू को क्या बोलते हो? ये बोलते हो पीक वैल्यू। याद करो, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में मैंने बताया था, देखो किसी भी चीज़ का कहीं पर भी यूज हो सकता है, तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में मैंने बताया हुआ था, इसको बोलते हैं वी पीक, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। क्या बोलते हैं? पीक वोल्टेज। और यहाँ से अगर यहाँ तक का बात करें, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज पी पी, वोल्टेज पीक टू पीक, इसको ये बोलते हैं। और आपका एक तीसरा जो होता है इसका स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसको इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, वो होता है वी आर एम एस। अब शायद आपको याद आ रहा होगा वी आर एम एस, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में मैंने, और इस एक और होता है वी एवरेज। क्या होता है? जो एवरेज वैल्यू होता है उसको बोलते हैं वी एवरेज। तो इसके रेस्पेक्ट में मैंने आपको तीन फॉर्मूला बताया था, वो तीनों यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या मैंने फॉर्मूला बताया था, मैं एक बार फिर से रिविजन करवा देता हूँ, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके ये हैं, और आपका आसानी से उससे बन जाएगा। आप एक बार रिकॉल करने का कोशिश करो उन फॉर्मूला को। तो मैंने आपको वी आर एम एस के रेस्पेक्ट में बताया था, वी आर एम एस इक्वल टू वन बाय रूट टू इंटू बी पी, यानी ये पीक वोल्टेज हो गया, ठीक है, बी पी पीक वोल्टेज। दूसरा मैंने वी आर एम एस इक्वल टू बताया था वन बाय टू रूट टू इंटू वी पी पी, यानी पीक टू पीक वोल्टेज। अगर वी आर एम एस निकालना हो और पीक टू पीक वोल्टेज दिया हो, तो आप वन बाय रूट टू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और तीसरा जो आपका था, मैं इसको हटा देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है पहले वाले वीडियो से तो आप अभी नोट डाउन कर लो, वी आर एम एस इक्वल टू वन बाय रूट टू इंटू बी पी। दूसरा है वन बाय टू रूट टू इंटू बी पी पी, बी पी हो गया पीक वोल्टेज और बी पी पी हो गया पीक टू पीक वोल्टेज। और एक और फार्मूला आपको लिखना है, वी आर एम एस इक्वल टू पाई बाय टू रूट टू इंटू वी एवरेज, ठीक है, वी एवरेज। ये होता है आपका वी आर एम एस और एवरेज पीक और पीक टू पीक का रिलेशन। अब आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इन्हीं सबको यूज करके, हो सकता है आपको बी पी पी से एवरेज निकालने के लिए बोल दिया जाए, कुछ भी बोल दिया जाए, आप इसी से कंपेयर करके आप निकाल लोगे। तो अभी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको क्या पूछ रहा था, उसमें आपको देखो वी आर एम एस दिया हुआ है, आप एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेना, वी आर एम एस दिया हुआ है 250, ठीक है, और आपको वी पीक टू पीक पूछ रहा है, यानी वोल्टेज पी 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 पूछ रहा है, ठीक है। अब आप रिकॉल करो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे, वी आर एम एस इक्वल टू वन बाय टू रूट टू वी पी पी, ये आपने पढ़ा है। तो वी पी पी यहाँ से निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर से टू रूट टू उठ के यहाँ पे टू रूट टू मल्टीप्लाई हो जाएगा आके, क्लियर है। यानी वी पी पी आपका, यानी वोल्टेज पीक टू पीक वोल्टेज हो जाएगा टू रूट टू इंटू वी आर एम एस, यानी 250, और टू रूट टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू इंटू रूट टू का वैल्यू हो जाएगा 1.4 अप्रोक्स में ले लेते हैं, उसके बाद 250, ठीक है, यानी 2.8 इंटू 250 ये आपका हुआ। तो 250 को जब 2.8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा अप्रोक्स, तो ये अप्रोक्स हो जाएगा 700 के आसपास, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 700 प्लस में ही आएगा, कुछ पॉइंट में आएगा, तो 700 के आसपास होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 700 के आसपास है, तो आपका देखो ऑप्शन सी सही है, ठीक है, यहाँ पे 700 7.1 वोल्ट है,
707.1 वोल्ट। तो देखो जरूरी नहीं होता है कि हर क्वेश्चन में आपको पूरा डाटा निकालना है, आप अप्रोक्स में भी निकाल लो तो आप मार सकते हो क्वेश्चन को, ऐसा नहीं आप नहीं मार सकते हो। अगर आपका सारा आप डाटा देख लो, अगर सारा ऑप्शन एक ही जैसा है यानी दो तीन के डिफरेंस पे है तो ही आप अप्रोक्स से नहीं बना सकते, नहीं तो आप अप्रोक्स से आसानी से बना सकते हो। तो यहाँ आपका क्लियर हो गया, देख लो एक बार क्वेश्चन आप फिर से। 250 VRMS इसका है मुख्य एसी वोल्टेज और पीक टू पीक वोल्टेज आपको निकालना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल निम्न में से किस प्रकार की तरंग प्रदर्शित करता है। टाइम बेस्ड सिग्नल, सीआरओ में टाइम बेस्ड सिग्नल किस प्रकार की तरंग को प्रदर्शित करता है, यह करता है सॉटूथ तरंग को। किसको करता है? सॉटूथ तरंग को। अगला है, किसी सीआरओ की विशिष्टता प्लेट 50 मेगाहर्ट्ज अंगित है, प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंगित है, इसका अर्थ क्या है। तो किसी भी सीआरओ पर अगर विशिष्टता, सीआरओ की विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंगित है, इसका मतलब ये होता है कि इसका स्वीप सिग्नल की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ये स्वीप सिग्नल क्या होता है? देखो स्वीप सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को किसी भी सिस्टम में मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर उसके विशिष्टता प्लेट पर 50 मेगाहर्ट्ज अंकित है यानी उस पर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसका स्वीप सिग्नल 50 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है। अगला क्वेश्चन है, सीआरओ में बीम द्वारा स्क्रीन पर फॉस्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने का समय डैश कंट्रोल द्वारा एडजस्ट किया जाता है। किसके द्वारा एडजस्ट किया जाता है? यह किया जाता है टाइम या डिवीजन कंट्रोल के द्वारा, ठीक है। तो सीआरओ में बीम द्वारा स्क्रीन पर फॉस्फेट के एक निश्चित क्षेत्र को उत्तेजित करने का समय टाइम या डिवीजन कंट्रोल के द्वारा यूज किया एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना कि किस चीज से बीम पर जो फॉस्फेट का एक निश्चित क्षेत्र एक्साइटेड होता है उसको कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं टाइम और डिवीजन कंट्रोल के द्वारा। तो ओके फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा देर क्लास लेने के मूड में नहीं हूँ और ऑसिलोस्कोप से जो भी आपके क्वेश्चंस बनते थे वो हो गए। अब जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं वो ट्रांजिस्टर से क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर में लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अभी से जनरली आपका जितना क्लास चल रहा था वो आधा घंटा का अप्रॉक्स क्लास था, लेकिन आज मैं थोड़ा कम रख रहा हूँ। और आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और ईयर का फर्स्ट दिन है, आप इंजॉय करो। आज मैं क्लास एक्चुअली में बंद रखने वाला था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्डिंग का। तो आपका क्लास ऑफ ना हो 1 तारीख को, इसीलिए मैं आज क्लास लेकर आया हूँ। 10 ही क्वेश्चन आपने पढ़ा पर क्वालिटी क्वेश्चंस थे वो जो भी थे, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो नए साल का पार्टी आप लोग भी करो, कभी कभी मौका आता है तो उसको इंजॉय क्या करो, टेंशन मत लो, पढ़ाई तो चलते रहता है और आप पढ़ ही रहे हो अच्छे से। चलो फिर से मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।